क्या दूं क्या दूं? ये दस वाला है ना? हाँ एक ये दे दो तो एक वो दे दो वो। तोड़ लो तोड़ लो। अरे अच्छी एक ये दे दो। क्या हुआ चलेगी बस? अच्छा तो पीछे से आगे चलो। कैमरा मंगा लिया अपना कहते ऑनलाइन। तो कैमरा मेरा आज आ चुका है। कैमरा में आपको दिखाना चाहता हूँ कौन सा कैमरा मेरे पास जो व्लॉगिंग करने के लिए व्लॉग करने के लिए मैंने यही कैमरा मंगाया। तो गाइस ये वाला कैमरा है जो व्लॉग करने के लिए सीसीटीवी कैमरा मंगाया मैंने व्लॉग करने के लिए। तो हे गाइस कैसे होप करता हूँ सब ठीक होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग, दिस इज विनोद व्लॉग्स। तो अभी मुंह धो के आया हूँ मैं। तो सामने का व्यू देखो गाइस कितना मस्त आ रहा है। तो अभी अभी अपलोडिंग करी, थंबनेल वगैरह बनाया मैंने, अपलोडिंग कर दी। थंबनेल मेरे से इतना खास नहीं बनता, फिर भी एडिटिंग भी इतनी खास नहीं, फिर भी मैंने कर दिया जो कर रहा हूँ ठीक है। तो गाइस सामने का व्यू इतना मस्त आ रहा है कि आप बताऊँ मैं आपको। आज का व्लॉग यहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं अपनी छत से ही। तो गाइस ये दिखाओ ये कैसे लग रही है, मुझे कमेंट से फिर बताना ये जैकेट कैसी लग रही है। इतनी खास नहीं लग रही होगी ना, आज कोई ज्ञान ना था जहाँ मैं ब्लॉग करने गया था। तो कल होता ना कल का ब्लॉग इतना मस्त होता यार, क्योंकि कल इस वजह बारिश भी थी। तो गाइस वहाँ का देखो व्यू कितना मस्त आ रहा है, वहाँ पर बर्फ ही बर्फ होगी। अब देखो आप कितनी क्लियर दिखा रही, क्लियर दिख रही बर्फ। तो मेरा फ़ोन का थोड़ा कैमरा खास नहीं है इस वजह से, तो बर्फ मैं अपनी आँखों से देखो भाई, आँखों में ही जो अलग मज़ा करते हैं, कैमरे से क्या देखना। तो उधर भी बर्फ़ पड़ी हुई है, मेरा कैमरा मेरे हाथ पूरे ठंडे हो गए हैं, तो इस वजह से मेरा कैमरा पूरा हिल रहा है। तो वहाँ पर भी बर्फ़ पड़ गई है, तो उस साइड है ना उस साइड काफ़ी ज़्यादा पड़ी है, और इस दिन बीच में इधर ज़्यादा पड़ी है बर्फ़, एकदम नेक्स्ट लेवल बर्फ़ पड़ी है। नेक्स्ट संडे कुछ पता नहीं कहीं जाएँ हम, शायद पीर गली भी जा सकती है। मुझे बोला भी है किसी ने चलेंगे पीर गली, तो बता नहीं सकता किसने बोला है। तो चलेंगे ज़रूर ब्लॉग करने के लिए, बोला भी था मैंने वहाँ का ब्लॉग ज़रूर करूँगा, क्योंकि मैं ब्लॉग करने के लिए आज भी जा सकता हूँ, क्योंकि गाड़ी हुआ ना मस्त फोर व्हीलर गाड़ी हो, मज़ा आएगा ब्लॉग करने का उधर। तो स्कूटी से भी ब्लॉग, बाइक हो आराम से, स्कूटी कहाँ तक जाएगी, स्कूटी चढ़ भी नहीं सकती सही से चढ़ाई। तो बाइक हो, सिट बाइक का बाइक था, बड़ा मस्त लगा मुझे चलाने में। तो आगे था ना उसकी डिस्क मारता ना, उन्होंने पहले ही मुझे फ़ोन करके बोल दिया था आगे वाली ब्रेक मत मारना, टायर घिसट जाएगा उसका, टायर उसका स्लिप से। पूरी छत गिली हुई हुई है देखो, तो सारे पेड़ झड़ गए, नंगे हो गए सारे पेड़। तो ये भी नंगा पेड़ लग रहा है मुझे, नंगा हो गया पेड़ ही है। तो कितने मस्त लग रहे हैं देखो सामने का, देखो ना नेक्स्ट लेवल फीलिंग आ रही है। तो उधर जाओ ना बर्फ़ वाली साइड, उधर नेक्स्ट लेवल फीलिंग आएगी और वाइब्स आएगी अलग। चलते हैं नीचे, हम ऊपर का यही दिखा रहे थे मैंने आपको, उधर बर्फ़ पड़ी है। तो निकलते हैं फिर शॉप के लिए। तो आज एक और ये वाली लेके आऊँगा मैं, शायद पूछ के आऊँगा एक और मिल जाए, थोड़ा साइज़ बड़ा लेके आऊँगा, क्योंकि ये साइज़ मुझे छोटा हो गया है, मगर साइज़ फिट आता है, मगर थोड़ा सा छोटा ये साइज़। तो न्यू लेके आऊँगा, तो न्यू मिल गया तो लेके आऊँगा ज़रूर। तो चलते हैं खाना खाना खा के निकलते हैं शॉप के लिए। मैं खाना मेरा खा लिया और मस्त मस्त दाल चावल खा लिया मैंने, अब निकलते हैं अपनी शॉप के लिए। तो मैंने चेंज कर दिया क्योंकि वो जैकेट न्यू थी थोड़ी मेरी, क्योंकि शॉप पे जा रहा हूँ क्योंकि कोई लग जाए किल छिल से फट जाए इस वजह से, तो चेंज कर दिया। चलते हैं मैं अपनी शॉप पे। तो आज का व्लॉग भी ज़्यादा 10 या 15 मिनट का बनाऊंगा या 16 मिनट का बन जाएगा लास्ट, उससे ऊपर नहीं बनाऊंगा, क्योंकि इतना लोग देखते नहीं ब्रो। कुछ लोग हैं देखते हैं, वो भी खास बंदे अपने, वो देखते हैं। गाइस लुक एट द व्यू गाइस, देखो लुक गाइस व्यू देखो कितना मस्त वहाँ का। तो यहाँ पर बुलेट लगा हुआ है, तो फाइनल गाइस मैं आ गया अपनी शॉप पर। तो रेडी भी लेके आ गया यहाँ पर अपनी चौक पे, तो जो मैं लगाता हूँ। तो पीछे से यहाँ पर देख रहा होगा आपको पेंट हो गया है, तो मैं सफाई वगैरह कर लेता हूँ फिर मिलता हूँ। तो फाइनली गाइस अभी अभी दुकान के अंदर बैठा हूँ, फ़ोन चार्ज लगाया हुआ साथ में, और साथ में ब्लॉग कर रहा हूँ बैठ के ब्लॉग। तो काफ़ी टाइम अभी तो मैंने ग्राहक को कहते कस्टमर आए थे सामान दिया उनको। तो जब मैं आ रहा था ना रेडी लेकर अपनी, तो नीचे जेके बैंक के सामने मेरा फ़ोन बंद था, क्योंकि फ़ोन बंद मेरे लड़के ने ऐसी चांडे चढ़ने मारी गई थी लड़की को, क्या बताऊँ मैं आपको, वो शूट करने के काबिल था कस्टमर। मैंने यार मुझे कस्टमर क्या पता था कब वो सीन हो जाए, तो शूट नहीं करा। इस अच्छा मैं सोच रहा था कैमरा ऑन होता वो ठीक था, शूट एक नंबर होता, क्योंकि वही मैन सीन होता मेरा, चरण मार दी उसको कहते खींच के पीछे सर पे, या तो मैं हैरान हो गया, लोग किट्टे हो गए काफ़ी सारे यार। तो मैं आप में रेडी थी, रेडी ना होती मैं पक्का शूट करता उधर कहते। तो शूट अचानक मारी ना उससे चरण, अचानक एकदम मुझे खुद नहीं पता यार, मैं लेके जा रहा था, मैं आग बढ़ा गया पीछे देख एकदम चरण मार दी उसने, पता नहीं उसकी कुछ भी हो गर्लफ्रेंड हो, पता नहीं उसकी सिस्टर हो, ऐसे मारनी नहीं चाहिए किसी बाजार में चरण।
क्योंकि कुछ देखे मैंने फेसबुक पे यही वीडियो वायरल कर देते हैं, क्योंकि डालो मर्ड ये चीज़ मत करो कहते, वो उनका पहले से प्लान होता है ये चीज़ करने का कहते। तो अनहेंडा सीन था मेरा, वो कुछ पता नहीं वो सीन होगा या नहीं होगा, तो क्या पता। तो मैं अभी मैं अपनी शॉप पे हूँ। फाइनली आज मैंने कैमरा मंगा लिया अपना कहते ऑनलाइन, तो कैमरा मेरा आज आ चुका है। कैमरा मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कौन सा कैमरा मेरे पास जो व्लॉगिंग करने के लिए, व्लॉग करने के लिए मैंने यही कैमरा मंगाया। तो गाइस ये वाला कैमरा जो व्लॉग करने के लिए, सीसीटीवी कैमरा मंगाया मैंने व्लॉग करने के लिए। तो अंदर पड़ा होता है सीसीटीवी कैमरा लगा रहे ना अंदर, इस वजह से मैं सब उठा लेता हूँ थोड़ा बहुत। ये कैमरा है देखो, आप देख सकते हो भी हो भाई, कैमरा मस्त है यार सीसीटीवी कैमरा, आराम से इस टाइप से व्लॉगिंग करो ऐसे करके। तो कैमरा भी एक नंबर गाइस देखो। तो भैया इधर लगाने लगे सीसीटीवी कैमरा, कैसे करके जुगाड़ कर रहे हैं ऊपर। तो ऊपर कुछ सीढ़ी नहीं है, इस वजह से सीढ़ी होती ना आराम से लग जाता, तो उस साइड पे लगेंगे सीसीटीवी कैमरा। तो दुकान की फिटिंग एक नंबर हो गया है, तो दो महीने के अंदर होगी दुकान की फिटिंग। और कुछ इस तरह से लाइटें लगी हैं, ये लाइटें बड़ी मस्त लग रही मुझे, गर्मा गर्म मूँगफली खाने में अलग ही मज़ा गाइस क्या बताऊँ। तो आगे नहीं इसमें क्या कहते, थोड़े दो तीन कोले डाले हुए हैं इसमें, क्या आ गया कुछ नहीं। तो मूँगफली भी शायद से गर्म हुई नहीं हुई यार, थोड़ी बहुत गर्म हो गई है, एकदम गर्म नहीं हुई है। तो यूपी में क्या सिस्टम है देखा है, कुछ होते हैं कढ़ाई में कहते मूँगफली बनाते हैं, कच्ची मूँगफली लाते हैं इस टाइप की, तो कढ़ाई में बनाते हैं नमक शमक डाल के, वो बड़ी मस्त बनती है वो मूँगफली। पता नहीं कितनी महंगी, कुछ पता नहीं किलो, काफ़ी महंगी मूँगफली है वो, यहाँ पर नहीं चलेगी वो, यहाँ के लोग ग्रेड सुन के डर जाएंगे। ये लो और ये लो, ठीक है जी आंटी, दस वाली गच्चे खाया है। कितनी चाहिए आपको, कितनी? पाँच गच्चे, 50 रुपए की पाँच है, पाँच चाहिए ना आपको, 50 रुपए की पाँच, हाँ 50 रुपए की पाँच जी, गच्चे की नहीं पाँच वाली, पाँच का कुछ नहीं भैया मेरे पास जी, 10 रुपए। ये लो ठीक है, और कितने की आपको जी, 4 रुपए ना, ये लो 4 रुपए ने, ठीक है कितनी दूंगा चेक, 50 रुपए नहीं तो, एक दो तीन चार पाँच, ये लो आंटी ठीक है, 5 गच्चे और कुछ 20 रुपए के दिया है, 20 रुपए की आंटी 100 ग्राम दिया है मैंने आपको, ये लो बी नहीं और इसी में डाल दूंगा ठीक है, इतने लिफाफा नहीं ना आंटी मेरे को, कम रहेगी मुझे भी खुद, ये लो आंटी। त्रै गचक, 3 गचक गाइस, 1 2 3, ये लो और बस, एक और दो और एक और, एक अच्छा और, ये लो बस एक अच्छा और, ये लो आंटी ठीक है, क्या दूँ, हाँ तोड़ लो क्या कह लिया आपने, बस ये गचक नहीं चाहिए, 30 रुपये, ये लो ठीक है। तो गाइस बहुत ठंड हो रही है, मैं जा रहा हूँ अब घर पे, क्योंकि मेरा भाई आ गया ना, आप कितने 3:30 हो गए, तो 3:30-4 बजे मेरा मामू आ जाता है, तो उस वजह से तो हम घर पे चले जाते हैं, वो आता है करीब 6 बजे 7 बजे बंद करता है। तो काफ़ी ठंड सी लग रही है, ठंड के मारे बहुत बुरा हाल हो रहा है हमारा यार, ठंड से बहुत बुरा हाल हो रहा है। तो जा रहे हैं हम घर पे, तो घर से वापस भी आना है, मैंने कुछ सामान लेने जाना है, तो सामान लेने वो बताने से तो क्या सामान लेने जा रहा हूँ। तो देखो गाइस बारिश हो रही है काफ़ी,
क्या हुआ, चलेगी बस? अच्छा तो पीछे से आगे चलो, अच्छा चलो ठीक है। वैसे बताऊँ तो मंगा दोगे? दिखाना ठीक है। तो मैंने पूछा कहते हैं जैकेट का पूछा, जिस टाइप की मुझे जैकेट चाहिए ना, वो बोलते हैं अब तो पीछे से माल है ही नहीं। जब मैंने बोला अभी जनवरी है फरवरी है तो मंगा दो यार, तो मुझे एक और कलर पसंद आया था, वो मैंने ऑनलाइन देखा था, ऑनलाइन वो बुक नहीं हो रहा था, तो मैंने इनको फोटो का बोलते मिल जाएगी। फिर बोलने लगा कहते हैं अभी माल खत्म हो गया, तो इनको मैंने बोला अभी मंगा देंगे, करीब 10 दिन लग जाए, 15 दिन लग जाए, ये मंगा के दे देंगे मुझे। फेरन की सेल लगी हुई, देखो फेरन, तो फेरन लगा हुआ है यहाँ पर, इस साइड भी फेरन लगे हुए हैं, सेल लगी सेल। तो बाज़ार में थोड़ा क्राउड सा आया काफ़ी। तो फाइनली अपनी गली में आ गया हूँ मैं, तो यहाँ से आस्ते जा रहे हैं, तो हाथ बहुत ठंड से जम गई मेरे हाथ, क्या बताऊँ मैं आपको। बीच में चार्जर वगैरह डाल लिया सब कुछ, तो चलते हैं। पहले अपने फ्रेंड को कुछ बताना है मैंने, तो वहाँ सुबह सीन क्या हुआ, सुबह सीन आपको भी पता है, सुबह सीन ये हुआ था लड़की को मारी एकदम खींच के चढ़ लड़के ने, तो वो शूट करता है भाई और बहन का सीन था, क्या बताऊँ मैं आपको। क्या करेगा तू, क्या बोलेगा तू, क्या बोलेगा? इसके चैनल को लाइक कर दो और कमेंट भी कर। अच्छा क्या? अच्छा और इसके सिर पे थोड़ी एक बार अपने में मारना थोड़ी। ये मुंडा शरीफ है कसम से, सच में शरीफ है, शक्ल से लगता होगा शायद शरीफ, अंदर से पता नहीं कैसा होगा, कुछ पता नहीं। मगर जब से मैं इसके साथ हूँ ना, जब से ये मुझे मिला कसम से, मेरे इससे मेरी फ्रेंडशिप हुई है, जब से इसने कभी धोखेबाजी नहीं की मेरे साथ, एकदम प्यार से बोल रहा है, जब मर्जी इसकी बाइक ले जाता हूँ मुझे कुछ नहीं बोलता। ये मेरा फ्रेंड है, इसी को मैंने अपनी बाइक बेची थी पहले, तो क्या बताऊँ, तो बाइक इसी को मैंने बेची थी बाइक अपनी। तो बाइक कितने की ली थी बाइक तुमने? यार 2000 की, 2000 की बाइक बेची थी इसको यार मैंने। जो गाइस मेरे पास बाइक थी ना पहले, इसी को मैंने बेची थी बाइक कसम से, वो बाइक वो वहाँ पर लगी हुई है पहले, वर्जन 1 था मेरे पास पहले। और फाइनली मैं गाइस घर पे आ गया हूँ, तो मैंने चेंज कर ली, जैकेट भी चेंज कर ली और ये भी चेंज कर लिए मैंने, दोनों चेंज कर लिए और पैंट नहीं चेंज की मैंने। तो चलते हैं बाहर, तो निकलते हैं कहीं बाहर के लिए, तो बाहर कहीं नहीं जाएंगे अभी हम, काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही, बारिश इतनी ज़्यादा नहीं हो रही फिर भी। तो गाइस धूप आ गई, सूर्य में आ गए वापस, तो काफ़ी ज़्यादा ये है ना, काफ़ी ज़्यादा ठंड हो रही है, वो अभी मुझे बोल रहा है लड़का काफ़ी ज़्यादा ठंड हो रही है, दस स्टोरी डालेंगे बाद में। तो गाइस मैं अभी अपनी फ्रेंड की दुकान पर आया हूँ, तो मेरा फ्रेंड दूर गया हुआ है, तो क्या मैं देख लो कितनी मस्त मस्त लड़की लगी हुई है। तो अभी वो ये सूट काट रहा है कुछ इस टाइप का, तो